आने वाले 3-4 मिनट में मैं एक लड़की की कहानी बताऊंगा जिसका 15 साल में ही रेप हो गया था। हाँ, हम इंडियंस सबसे ज़्यादा यंग पीपल है हमारे कंट्री में। उसी के साथ साथ एक रेप केस भी है। इस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, कॉज उसके बाद ये वीडियो खुद आपको शेयर करने में मजबूर कर देगा। उम्र 15 साल, क्लास 10th, मेरी खुद की बहन 10th क्लास में है। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10th क्लास में कोई भी इतना मैच्योर एंड स्ट्रांग नहीं होता। एक दिन जब ये लड़की स्कूल से आ रही थी, 5 लोग ज़बरदस्ती इसे गाड़ी में लेकर चले गए और इसके साथ वो किया जो सुन के एक लड़का होने में भी शर्म आती है, दे रेप्ड हर एंड बाद में उसके घर के सामने फेंक दिया। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैं किसी प्रोफेशन को टारगेट नहीं कर रहा, बताना ज़रूरी है। गवर्नमेंट सर्वेंट यानी एजुकेटेड फैमिली, फैमिली की इज्जत की वजह से या फिर पता नहीं किस रीजन से उसकी फैमिली उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती है। लड़के तो सिर्फ उनका काम कर रहे थे। लड़की फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाती है अपने होम टाउन से 1000 किलोमीटर दूर। आप बिलीव नहीं करोगे, उसे एक ट्रक वाला हेल्प करता है जो कि उसकी बॉडी को टच तक नहीं करता। 15.5 साल की बच्ची अपने होम टाउन से 1000 किलोमीटर दूर अकेली। कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पास अबॉर्शन कराने के लिए तक पैसे नहीं होते तो मजबूरन उसे बर्थ देना पड़ता है, बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे के पैदा होने के बाद वो उसे मार भी नहीं पाती क्योंकि अब वो एक माँ बन चुकी है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है एंड वो बच्चा ही अब उसकी ज़िंदगी बन चुका है। तो वो अकेली काम करके उसे बड़ा करती है, पालती पोसती है और वो हमेशा से सिर्फ ये सोचती है कि उसका बच्चा उन 5 लड़कों जैसा ना बने जिन 5 लोगों ने उसके साथ गलत किया था। एक दिन उसका लड़का खून से लथपथ, खून से भरा हुआ घर आता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि आज उसने एक लड़की का रेप होने से बचाया है। Thank you.